अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं इकरा शहजाद। मैं हूं तारिक मतीन। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। सदर जरदारी ने पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ताकतवर करार दे दिया। कहते हैं कौमों को शनाख्त ना देने से मसाइल पैदा होंगे। काबुल में पार्लियामेंट और गैर मुल्की सिफारत खानों के करीब घमसान की लड़ाई। अफगानिस्तान ने हमलों का इल्जाम हक्कानी नेटवर्क पर लगा दिया। काबुल जाने वाला पाकिस्तानी वफद सिफारत खाने में महसूस। क्वेटा में फ्रंटियर कोर का मुख्तलिफ होटल्स में सर्च ऑपरेशन। 90 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 सेक्टर में इमदादी कार्रवाईओं के दौरान बर्फानी तोदा गिरने से मुश्किल में इजाफा हो गया। इंटेलिजेंस एजेंसियां अदलिया की निगरानी में दी जाएं। बैरून मुल्क रकम वापस लाने के लिए कानून साजी की जाए। बैन अल-अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात। पाकिस्तान दफा कौंसिल ने नेटो सप्लाई की मुमकिन बहाली के खिलाफ मुल्क भर में मजामत का ऐलान कर दिया। हाफिज सईद कहते हैं कि सियासी लड़ाइयां भुलाकर सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि जब तक पाक फौज है उस वक्त तक ना तो बलूचिस्तान अलहदा हो सकता है और ना ही कोई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकेगा। बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। हिना रबानी खान ने स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को नागुजीर करार दे दिया। श्रीलंका ने लाहौर में कौमी मेजर गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। और लाहौर में खूबसूरत फनपारे लोगों के दिलों में उतर गए।